La la la. Again. मेरा बैग है. सो ओ यस दिस इज इसके ना, क्योंकि मुझे ना हमेशा फील होता है, मैं अपने फ्रेंड्स को भी ये कहती रहती हूँ, मुझे नहीं भरोसा कहीं आप मुझे लेकर गए हो है ना पार्टी शार्टी में घूमने फिरने और वहीं पर उतार दो, चलो 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 उतरो. भरा बड़ा है, भरा 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 मुँह से मेरे फंबल भी हो रहा है मुझे. ये देखो मैंने बताया था ना. तो इसकी खुशबू मुझे अच्छी लगी, अब ये पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है. एक मिनट. हेलो एवरीवन, दिस इज एलीन सानिया एंड यू आर वाचिंग हिटली ब्लॉग्स. एंड आप टाइटल पढ़ चुके हैं कि व्हाट्स इन माय बैग. एंड ये सब कुछ आप आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री का है ना, बड़ी बड़ी हीरोइंस का देखते आए हैं, तो मेरा भी देख लीजिए कि हमारे बैग कैसे होते हैं, कैसे भरे होते हैं. वैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि सभी जो लेडीज हैं उनमें एक चीज कॉमन थी, बैग था हैंड बैग. मेरा बैग है. ये बैग है मेरा, तो ये अभी छोटा है, यू कांट बिलीव है ना, तो ये मेरा बैग है. तो आप मानोगे, ये जो सारी लड़कियां कह रही है ना कि मैं हैंड बैग यूज़ करते हैं, ये मतलब काफ़ी हद तक 70% रॉन्ग है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पिट्ठू बैग ही यूज़ करती हैं लड़कियां, क्योंकि इतना तो सामान चाहिए होता है यार, क्या हैंड बैग में आ जाएगा. मेरा नहीं आता, मेरा हैंड बैग भी इतने बड़े बड़े होते थे. सो क्या क्या है मेरे बैग में, आप मुझे पता है आप भी एक्साइटेड हो देखने के लिए वीडियो. एंड बहुत कुछ शायद मैंने भी नहीं देखा है क्या है बहुत टाइम से, तो आज साफ भी हो जाएगा मेरा बैग. एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज़ माय बैग. सबसे पहले मैं बता दूं कि ये है फॉर एवर ग्लैम का बैग एंड इट इज़ वेरी नाइस क्वालिटी. ये आपको 2000 के आसपास मिल जाएगा. एंड ये क्योंकि मेरे बर्थडे पे मिला था एंड दिस इज़ वेरी स्पेशल बैग फॉर मी. एंड ये वाटरप्रूफ है, मैं इसको कहीं भी लेकर जा सकती हूँ. एंड ब्लैक एंड कलर है इसकी. अगर आप लुक मैं दिखा दूँ कि ये बहुत अच्छी लुक है. सो स्टार्ट करते हैं. कौन सी जिप से स्टार्ट करें आप बताइए. ये वाली जिप से करते हैं. चलो फर्स्ट जिप ये करके खुल जाती है. सो ओ यस दिस इज लिस्ट्रिन. लिस्ट्रिन क्यों? क्योंकि ये वीडियो जिन जिन को मतलब मुझे जानते हैं, मैं प्याज बहुत खाती हूँ. ऐसे नहीं, मैं कच्चा भी प्याज बहुत खा लेती हूँ. मुझे खाने के साथ सैलड बहुत पसंद है, खासकर उसमें अगर प्याज हो तो. जब मैं खा लेती हूँ दोपहर को, आपको पता है मैं ब्रेकफास्ट में भी खा सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है, क्योंकि फिर मैंने लोगों के साथ बातें करनी होती है. ये मैं नया ही पैकेट लेकर आई हूँ, दूसरा खाली वाला भी पड़ा होगा, मतलब ये मेरे बैग में होता ही होता है. सो दिस इज यस, होनी भी चाहिए यार, यू हैव टू स्मेल गुड, यू नो, मतलब सबके साथ आप बात करते रहते हो, और खासकर जो हम इवेंट्स वगैरह में जाते हैं ना, तो हमें ऐसे बात करनी होती है, हाँ जी हाँ जी, तो वो मतलब कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं. तो ये अपने पास ज़रूर रखो, लिस्ट्रिन. ओके, नेक्स्ट चीज़ है यू नो मैं ना लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ, मुझे डेयरी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. जिस एंड आपको पता है कि यार कौन चाय कॉफ़ी आइसक्रीम इन चीज़ों के बिना रह सकता है, नहीं रह सकता यार. तो पी जाती है कभी चाय कभी कॉफ़ी, सो उसके कारण मेरे पेट में जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है घड़घड़घड़, तो उसके लिए यू नो. तो यस दिस इज नेक्स्ट मेरी चीज में क्लचर जो टूट चुका है, पता नहीं मैंने क्यों रखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं. Earrings. This earrings are very special for me because ये मेरे birthday पे मेरी छोटी sister जो कि 11 साल की है, नवरीत, अगर वो वीडियो देख रही है तो उसने मुझे गिफ्ट किए थे. वो मुझे हमेशा कहती थी आप पहनते नहीं हो, पहनते नहीं हो, पहनते नहीं हो, बट मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ और पहनती भी हूँ, बट उसके सामने जब जाती हूँ पहन ही नहीं पाती हूँ. सो दिस इज़ फॉर हर. सो कुछ हैं सिक्के, कॉइन्स, छोटे जो यही काम आते हैं. एक आधा क्लिप है कि टिक टैक वाला, यहाँ से लगा लेती हूँ. अच्छा लग रहा है. चल नेक्स्ट चलते हैं. सो यस, इस जेब में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हम आगे बढ़ते हैं. वापस भी तो रखना पड़ता है. ओके,
नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉकेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉकेट में ये मेरे हैं आई शेडो। ये यहाँ पे क्या करें क्योंकि ये वहाँ पे मेरे मेकअप किट में पूरे नहीं आते हैं क्योंकि वो भी भरी पड़ी है बहुत सारी। तो ये आई शेडो है मियॉन, इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन वहाँ पे यहाँ पे लिंक दे दूँगी, जौन सी वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई थी, तो डू चेक इट आउट। मास्क जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, तो ये आपके बैग में ज़रूर होना चाहिए। एयरिंग्स, मतलब मुझे एयरिंग्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो एयरिंग्स तो आपको दिखते रहेंगे, बट पहनती मैं बहुत कम हूँ, तो बट आज पहने हुए हैं शूट करके। रबर बैंड मेरे बालों, मतलब मुझे ना एक आदत है गलत सी की, गलत नहीं कह सकते, अच्छी आदत भी कह सकते हैं, कि मैं जब सोती हूँ ना तो मुझे बाल बांधने की बहुत ज़्यादा हैबिट है। तो विदाउट रबर बैंड मतलब मैं ऐसे हो जाती हूँ, कोई तो दे दो कोई तो दे दो, फिर ये रबर बैंड एक्स्ट्रा होने चाहिए। पेन एंड आपको शायद डायरी भी मिल जाएगी छोटी सी, अगर मुझे दिख जाए। पेन एंड डायरी मेरे बैग में होती है क्योंकि कभी भी कोई कॉल आ जाता है, आप ट्वेंटी को बिजी हो फ्री हो तो आई एम लाइक यार घर जाके बताती हूँ, मैं तो बाहर हूँ। तो मेरे फ़ोन का मैं कई बार नहीं होता यार, फ़ोन में ना लिखा नहीं जाता, तो डायरी में सारी डेट वाइज मैंने हर चीज़ टाइम टेबल बनाया कि यस इस डेट को मैं बिज़ी हूँ, इस डेट को फ्री हूँ, आप भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो पेन होने भी बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट इज येस, बहुत सारे पैकेट्स हैं इसके। ग्रीन टी, ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी, तुलसी स्वीट लेमन टी इसका फ्लेवर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब अगर मुझे मतलब हो जाता ना, जब इनो की ज़रूरत पड़ जाती है किसी हद तक जाके, तो मैं फिर सोचती नहीं अब मैं चाय पीऊँगी, तो मैं ग्रीन टी पीनी शुरू कर देती हूँ। बट हाँ, रेगुलर इसको पी लेती हूँ मैं कभी ना कभी, बट आजकल मैंने पता नहीं क्यों छोड़ी हुई है। नेक्स्ट इज दिस प्रिन, दिस इज़ वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ माई लाइफ, मतलब इट्स प्लेज अ वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ माई लाइफ इन माई लाइफ, यार मैं क्या बोले जा रही हूँ, इट्स प्लेज वेरी असेंशियल पार्ट इन माई लाइफ, येस देखा करेक्ट। एंड क्योंकि मेरा सिर बहुत दुखता है, एंड दिस इज़ द ओनली मेडिसिन जो मेरे हेडेक को ठीक कर सकती है 5 मिनट्स में। मोर ग्रीन टीज होते रहते, और ये ख़त्म हुआ। ओके, द नेक्स्ट इसको खोलते हैं, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप खुश हो गए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं वाकई। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ओके, टॉयलेट स्प्रे सैनिटाइजर, टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे है ये पूरा का पूरा, मतलब हाँ ये टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे है। मैं जैसे बताती हूँ कि इवेंट्स मेरे होते रहते हैं तो मुझे बाहर जाना पड़ता है, समटाइम आई हैव टू पी, कहीं भी कभी भी है ना, हमें रोकना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी गॉल ब्लैडर के लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप पी को रोकते हैं तो। फिर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है तो वहाँ पे ना हम लड़कियों को प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है। तो दिस प्रेज लाइक कि इसका कुछ करो एंड उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। जैसे परफ्यूम नहीं होता वैसे से स्मेल है, तो मुझे परफ्यूम्स जो डियो डियो टाइप होते हैं वो पर्सनली नहीं पसंद है, इसलिए इसकी खुशबू ज़्यादा मेरे सिर को चढ़ जाती है, बट इट्स वेरी नाइस, यू हैव टू बाय दिस। नेक्स्ट इज मिरर, मैं दिखा नहीं सकती, उधर कैमरा लगा हुआ है क्योंकि आपको याद होगा मेरी प्रोडक्शन मिरर लेकर नहीं देती थी, मुझे फ़ोन से ही बनाना पड़ता था। मिरर लगे हैं, बड़े बड़े लगे हैं, बट तो ये छोटा मिरर मैंने लिया है जो बैग में ही रहता है, कभी आईलाइनर ख़राब हो जाए, जैसे अब मेरे बाल ठीक नहीं रहे तो नेक्स्ट स्विच की तरफ चलते हैं। चार्जर, यू शुड हैव आईफोन, मतलब जो हमारी आजकल के फ़ोन हैं that they don't have a good battery, so we have to carry these chargers and power bank with us, and my scooty mein bhi charging point hai, see battery ka kitna issue hai mujhe। next is this nail oil, iske bare mein jitna bolu utna kam hai, matlab isko to main na लगा मतलब ऐसे लगाती रहूँ, मतलब वीडियो बंद कर दो अभी, मुझे वीडियो नहीं आगे बढ़ानी, मतलब इतनी अच्छी है। इसके बारे में पहले भी बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ, वादी का नेल ऑयल है ये, वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब 70 रुपीज़ में है यार, एक बार खरीदो तो सही। नेक्स्ट इज सीज़र, क्यों है मेरे बैग में, मतलब किसी हो सकता है, कॉम होनी ज़रूरी है, यू समटाइम करनी पड़ जाती।
वॉलेट सो बोरिंग वॉलेट्स यू नो आई नो मतलब बोरिंग ज़रूर है बट इसमें आप मानोगे नहीं इसमें भी ग्रीन टी पड़ी है तो क्रेडिट कार्ड्स कैश मैं कैश हमेशा कैरी करती हूँ वॉलेट तो हमेशा ही कैरी करती हूँ ये बैग हो ना हो वॉलेट ज़रूर है क्योंकि मुझे ना हमेशा फील होता है मैं अपने फ्रेंड्स को भी ये कहती रहती हूँ मुझे नहीं भरोसा कहीं आप मुझे लेकर गए हो है ना पार्टी शार्टी में घूमने फिरने और वहीं पर उतार दो चलो 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 उतरो तो मैं एटलीस्ट मेरे पास पैसे हूँ ताकि मैं कैब लेकर घर आ सकूँ तो ये हमेशा मेरे साथ रहता है एंड ब्लैक इन कलर इसलिए क्योंकि कहते हैं पैसे बहुत आते हैं बट हाँ ख़त्म भी नहीं हुए कभी वॉलेट ज़रूरी है ब्लैक इन कलर मेकअप किट इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा आपको मतलब भरा बड़ा है बड़ा भरा भरा मुँह मेरे फंबल भी हो रहा है मुझे सबसे अच्छी चीज़ सारी ही अच्छी हैं मैंने नई ही सारी खरीदी है भरा पड़ा है इसलिए मुझे आई शेडो अलग रखने पड़ते हैं यार आई डोंट नो ओके सैनिटरी नैपकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक नहीं दो ही होंगे मेरे पास दिख नहीं रहा तो दो इसलिए क्योंकि कभी एक कोई मांग लेता है फिर मुझे जरूरत पड़ जाती है फिर मैं डालना भूल जाती हूँ इसलिए मेरे बैग में दो हमेशा होते हैं सो वेरी इंपॉर्टेंट विस्पर बी हाइजीनिक एंड हेल्प करते रहो दूसरों की एयरपोर्ट्स ये वन प्लस के एयरपोर्ट्स हैं एंड इसका कवर मुझे बहुत अच्छा लगा सो ये भी मेरे साथ रहते हैं ये एक लिफाफा निकला इसमें से निकले हैं पिंस आप मानोगे नहीं इतनी पिंस मेरे काम नहीं आती जितनी लोग मेरे से मांग के चल जाते हैं तो और जैकेट नहीं मतलब सूट पहना हुआ है किसी ने है ना तो पिन नहीं लग रही पिन नहीं लग रही तो ये पिन हमेशा मैं उनको दे देती हूँ एंड इस वक्त अगर वो भी वीडियो देख रहे होंगे तो वो कहेंगे यार तूने ऐसे बोल दिया मुझे सो ये है कुछ कागज निकला आईलाइनर तो मैंने अभी नया खरीदा होगा तो मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया वाटर बॉटल आपको कभी भी पानी पीने की जरूरत पड़ सकती है जैसे मुझे अब पड़ रही है तो बी हाइड्रेटेड रहना भी चाहिए बहुत ज़रूरी है मेरे छोटी होती है मेरे पास कि यार कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो मैं इसको ज़रूर कैरी करती हूँ रिंग्स कुछ ना ऐसे मेरे पास रहता है पॉली बैग जिसमें मैं ईयरिंग्स और रिंग्स डालती रहती हूँ जो अभी अभी निकली उनको भी मैं इसमें डालूंगी थैंक गॉड कि मैंने ये सेशन किया है तो आई कैन मैनेज माय बैग नाउ सो नेक्स्ट ये देखो मैंने बताया था ना ये ख़त्म हुई पड़ी है तो इसलिए नहीं ली थी वो जेलोसिल सेम प्रॉब्लम मुझे गैस बहुत रहती है मेरा पेट तो कभी भी ना पेट ऐसे हो जाता है दर्द हो रहा है तो ये काम आ जाती है मेरे चीज़ पे दिस चेन बहुत अच्छी चेन है ये लॉन्ग चेन मुझे चाहिए भी थी काफ़ी टाइम से आपको बहुत सारी दवाइयाँ भी मिल जाएंगी यू नो हाँ और क्या ये बहुत अच्छी चीज़ है इत्र कोई भी दुबई जाता है ना तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ या प्लीज़ इत्र ला देना मुझे इत्र ला देना तो ये इत्र बहुत अच्छा है ये मुझे ना चंडीगढ़ से ही लिया था तो कोई नाम नूम नहीं है इसका या वाइट मस्क लिखा हुआ है बट मैं हमेशा हर चीज़ ना ब्रांड जरूरी नहीं होती आपको सूट करनी चाहिए है ना आपको आपके ऊपर अच्छी लगनी चाहिए तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी तो इसकी खुशबू मुझे अच्छी लगी अब ये पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है एक मिनट तो हो जाता है चलो कोई बात नहीं मतलब बहुत मिस्सी स्मेल है यार इसकी मतलब बहुत ही अच्छी स्मेल थी तो मैंने इसको ख़रीद लिया है तो ये कहाँ ये 300-350 का आया था तो वेरी नाइस सो सम कार्ड्स मुझे ऐसे मिल जाते हैं कि आपने लेने हैं तो एंड दिस इज सैनिटाइजर आजकल जरूरत पड़ती है बट मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती यूज़ नहीं करती क्योंकि बहुत चीज़ें हैं मेरे अपनी सोच आपकी अपनी सोच है मैं नहीं करती तो नहीं करती इसमें ना छोटी सी जिप है इसमें है पैंटी लाइनर्स वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि जो स्पॉट्स जा रहे होते हैं हमारे है ना तो स्पॉट्स पूछ लगते रहते हैं तो इतने बड़े पैड कौन लगाए है ना इरीटेशन कौन से तो दिस इज़ वेरी गुड यू शुड हैव